ओके गाइस, चलो मैं इंशाल्लाह एडिट करके बहुत ही जल्द आपको व्लॉग दूंगी। अभी ज़रा हम रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं यार। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने की है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। चलो ओके गाइस, तो फंक्शन हमारा हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपको ये आज का जो फंक्शन वाला व्लॉग था ना, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी सारा सामान सामान जा रहा है, तो बस जो इंशाल्लाह ये आज का व्लॉग है ना, ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह सैटरडे तक। क्या इवेंट था, क्या सीन था, सब कुछ पता लगेगा आपको, ठीक है। सो अभी वाला व्लॉग देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा प्रोग्राम बढ़ चुका है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो गई हैं। सो बच्चे की हमारे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अजानू को तकरीबन भी 10 दिन से जो है ना वो कब्ज़ हो रहा था, हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी जो है ना वो इसकी तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, और मैं आप लोगों को इसकी हालत भी नहीं बता सकती। अजान बताओ पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है बताओ, एक सेकेंड, इधर ऐसे, अब बताओ इधर, बताओ किधर दर्द है, कह रहा है पीछे दर्द है। एक्चुअली इसको कब्ज हो रहा है बहुत ज्यादा टाइम से, लेकिन हम लोग जो है ना वो किसी भी तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे थे कि चलो माशाल्लाह माशाल्लाह कि चलो चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरे बेटे की। आप लोग दुआ कीजिएगा इसके लिए। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के, अर्जेंट डॉक्टर के जा रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त मैं टाइम आप लोग को बताऊँ, इस वक्त देख लें 12:30 हो रहे हैं, लेकिन इसको डॉक्टर के लिए जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने इसकी हालत देखी है बेचारे की, बहुत बुरी हालत है। और उधर बाबा लगे हुए हैं इब्राहिम के साथ, बाबा इब्राहिम के साथ खेल रहे हैं इस वक्त। मेरे बेटे को इनकी इतनी ज्यादा अच्छी, आज हमने पिक्चर्स बनाई है काशू, इतना अच्छा शूट किया है आप लोगों के साथ। न्यू ईयर के बाद इंशाल्लाह मैं इब्राहिम का फेस रिवील कर दूंगी और आप लोग देखोगे इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी सी, आई मीन आप लोग देखोगे इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स। तो चलो चलते हैं अभी जल्दी से हम लोग हॉस्पिटल और देखते हैं कहाँ लेकर जा रहे हैं। इजी लेट्स गो बेटा, शूज पहन लो नन्ना से जी। ओके सो अभी इब्राहिम यही है नन्ना पास, मैं और क्या नाम है यार मेरे बच्चे का, नाम भूल जाती हूँ अजान के साथ। यार अजान के बाद ना मैंने नाम रखा था, मैंने बोला था अजलान नाम रख दो, तो अजान अजलान मेरे लिए बहुत इजी हो जाता, लेकिन काशिफ को पसंद था इब्राहिम। इब्राहिम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नाम है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ना अजान के बाद वो एकदम से इब्राहिम चढ़ता नहीं है मुंह पर। खैर चलो लेट्स गो, चलते हैं और फिर मैं आपको बता। गाइस मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शायद अरसलना हाँ उनका जवाब दे रही है। अरसलना ये भाई ये देखिए सो रही है पीछे, मैं कब से इससे बातें में लगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ यार काशिक इतनी स्टोरियां सुना दी मैंने इसको, अरसलना को हम जबरदस्ती ले आए, हमने कहा चलो डॉक्टर के साथ चलो हमारे। ये देखो भाई तो ऐसा ही था, तो आई क्यों पागल है भाई, हमारी बहन तो बेड के पीछे लेटी हुई है, सो रही है नहीं आती। फिर ये देखें आप, ये पीस भी सो गया। एक तो बच्चे बाहर निकलते बाद में सो पहले जाते, ये भी सो गया, वो भी सो रही है, हम बेचारे उठे हैं बस। मेरी मजबूरी में सो नहीं सकता आप तो ड्राइव कर रहे हो। चलो अम्मी अभी भी कब से बातें कर रहे हैं, अब पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर जो है वो हम जा रहे हैं इस वक्त पता नहीं कहाँ, वो एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, मैं पहुंच के फिर आपको बताती हूँ। मकसद के लिए जा रहे थे ना, मतलब कि अजान को पॉटी नहीं आ रही थी और कब्ज हो रहा था, अल्लाह ने वो मकसद ही हमारा पूरा कर दिया। अभी अभी इसको इतनी गंदी पॉटी हुई है कि मुझे यहाँ तक कि बदबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब फिर भी हम अभी डॉक्टर के जाएंगे, जाके कंसर्न करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग भी मुझे यार कब्ज़ वगैरह बच्चों को हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, घरेलू टोटकों के अलावा मुझे कोई मेडिसिन वगैरह हो तो वो बताइएगा। घरेलू टोटके मैं करती हूँ लेकिन मैंने देखा है उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें घरेलू टोटके काम करते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं काम करते, सच बता रही हूँ मैं आपको, बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। गाइस अभी रिपोर्ट के ऊपर ये प्यारी सी बच्ची बनी हुई है, सलना कह रही है बेटा तू जज्बाती ना हो जाइए। मैंने कहा बच्ची तो होगी मेरी और कलर्ड आइज वाली होगी ऐसी, अपने बाप की तरह है काशी, ऐसी बच्ची होगी। अच्छा बेटी बेटी जाएगी, बेटी की आंखें जाएंगी, अल्लाह करे आई एम श्योर 99% इनके ऊपर जाएगी, लेकिन अभी ना आए अपने टाइम पे आए बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं और आज जो शायद ये थोड़ा सा आपके लिए काम की वीडियो हो जाए, अभी उन्होंने मुझे बताया है कि भाई ये अजान जो है वो 2.5 साल का हो चुका है,
जो घर में रोटी चावल दाल ये सब उसको खिलाना है, एडिशनल उसको मैगी या जो मैं इसकी मर्जी के कुछ खाने देती हूँ, साबुदाना हो गया, दलिया, ये सब अवॉइड करना है। घर का खाना खिलाना है, खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ना खाए, लेकिन उसको वो खिला के रख के छोड़ दो, खुद ही खाएगा, भूख लगेगी तो। अल्टरनेट कुछ नहीं देना, ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में, लाड प्यार में इंसान वो कर देता है, लेकिन चलो सीखते सीखते ही सीखते हैं, अब इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, वॉमिट वॉमिट सा हो रहा है यार, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हमने रास्ते से ना मोमोज खा लिए थे और वो मोमोज बहुत 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 ज़्यादा मिर्चों वाले थे, मुझे लग रहा है उसकी वजह से ना एकदम ऐसा हो गया। इजी मामा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मामा को पाल कर लो, पप्पी कर लो मामा को, मामा को पकड़ लो, अपने पास सुला लो, मेरा बेटा पाल करते हो मुझे, कितना, एक नंबर, आई लव यू मामा से, कितना, दो नंबर, फाइव नंबर, आपकी तबीयत ठीक है मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह ताला मेरे बेटे की तबीयत को बिल्कुल ठीक रखना, मेरे दोनों मुन्नों की तबीयतों को बिल्कुल ठीक रखना अल्लाह ताला। इजी मम्मा, ओके बेटा, ओके आप मेरी बनाना, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड गाइस, इसको ना नया जोश चढ़ रहा है मुझे देख देख के ना व्लॉगिंग करने का, बेटा बड़े तो हो जाओ, कर लेना व्लॉगिंग पर बड़े हो जाओ, नो बेटे जस्ट वेट, बाबा आ रहे हैं, बाबा लेने गए इब्राहिम को, एंड इब्राहिम आ रहा है, बस फिर चलते हैं यार। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। रात में सोते सोते, रात में क्या, हमें सुबह हो गई थी सोते सोते, और मेरी तबीयत हो गई इतनी ज़्यादा ख़राब कि मैं आपको बता नहीं सकती। अजान की अलग तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजान अभी बेहतर है, और अजीब जो है ना वो हालत हुई हुई थी यार, फिर जैसे तैसे जो है ना वो मैं सोई हूँ, और कल रात में इब्बो ने इतना तंग किया है, इतना तंग किया है इब्राहिम ने, है ना भाई जो, सो अजान बताओ कितना तंग किया है इब्राहिम ने, हाँ देखें भाई ये बता रहा है कि रोए जा रहा था, क्या लगा लिया है बालों में, हाँ भाई, सो सबको गुड मॉर्निंग कह दो, हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो बस यार ये वाला सीन था, अभी जल्दी जल्दी से काम करने हैं, जल्दी से क्लीनिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, और अभी मैंने सोचा है यार न्यू ईयर आ रहा है, जल्दी से अपने पेंडिंग काम जो है ना मुझे निपटा कर अच्छी सी एक लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के बारे में ही सोचती रहती हूँ हर वक्त, अच्छा सा एक लाइफ रूटीन बनाना है जिंदगी में न्यू ईयर पे, कि यार इतना वक्त काम का हो, इतना वक्त जो है ना मेरा वो घर का हो, और इतना वक्त इसका हो, बाकी सारा वक्त मेरे बच्चों का भाई, क्योंकि अभी अजान बड़ा हो रहा है, इसकी स्कूलिंग शुरू होने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं जो रिसर्च करनी है, इसको एडमिशन होना है, बहुत सारी चीजें, जी मेरा बच्चा, अच्छा कह रहा है भाई ये दिखा दो, ओके ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी ज्वेलरी होती है जिससे अजान खेलता रहता है, और ये मेरे पापा तक पहुंच ही नहीं रहा है, ये कब से मैंने शहद ला के रखा हुआ है कि ये मैं अपने पापा को गिफ्ट करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह न्यू ईयर पे मैं हमेशा सब लोगों को गिफ्ट देती हूँ, तो आई थिंक ये न्यू ईयर पे इसके साथ कुछ और लेकर दे देंगे। सो गिफ्ट से याद आया, मुझे गिफ्ट्स लेने के लिए भी जाना था गाइज, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे सबके लिए गिफ्ट्स लेने हैं न्यू ईयर के, बहुत सारी चीजें हैं, चलो अभी जल्दी से हम लोग झाड़ू पोछा सारा कुछ क्लीनिंग श्लीनिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर मिलती हूँ। चेंज करूंगी और अजानू जो है वो मेरा बच्चा, अच्छा भाई वो बता रहा है अजानू कि अजान ने क्लीनिंग कराई, हाँ बताओ क्या क्या करा है मेरे बेटे ने,
क्या क्या करा है, ये साफ करा है, सबने देखा है, मैंने पूरा कैप्चर किया है, ये सब अजानों ने क्लीन किया है गाइज, ये सब मम्मा ने किया है। ओके मेरा बच्चा, ओके ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मुझे आप लोगों से करनी है सॉरी, मैं बैठ के बात कर लेती हूँ आराम से, मेरे फेस को इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सो सीन ये है गाइज के कल हुसैनाबाद पे यार एक सीन हुआ कि हम जा रहे थे गाड़ी में, पीछे से कोई गाड़ी थी और उन लोगों ने मुझे पहचाना, उन्होंने हाई किया, मैंने भी हाई किया, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग का ना मोमोज के हमने ऑर्डर दिए हुए थे तो वो एकदम बनने वाले थे, गाड़ी से उतरे हमारे आगे, वो गाड़ी रुकी मैंने देखा था पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी वजह से रुक रहे हैं यार। फिर मैं और अरसना भाग गए मोमोज खाने और काशिफ से वो पूछ रहे थे कि आपकी वाइफ, मतलब वो मेरी वजह से रुके थे यार, तो मैं आप लोगों से सॉरी। हाँ मेरा बच्चा, ओके मैं आप लोगों से कह रहा है चुप हो जाओ, इब्राहिम सो रहा है, ओके हल्के बात करती हूँ मैं आप लोगों से, प्लीज कान पकड़ के हाथ जोड़ के सॉरी करना चाहती हूँ, आप लोग मेरी वजह से यार गाड़ी से उतरे, आप लोग ने इतना मेरा जो है ना यू नो इतना अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे, अच्छा मेरा बच्चा कह रहा है चुप हो जाओ, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं पर्सनली इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी, पक्का वादा। आप लोग मुझे लाजमी अगर देख रहे हो ना तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना है, दिल से सॉरी। आप लोगों को जितना मुझसे मिलना पसंद है उससे कई ज़्यादा मुझे खुद को पसंद है, मुझे कोई देख के पहचान रहा होता है मेरा दिल करता है कि मैं ना, अच्छा ना हो गई चुप, मेरा दिल करता है कि मैं ना खुद उनसे मिलने चली जाऊँ। सो आई एम सॉरी यार, एंड कभी भी ऐसा हो तो आप लोग मिल लिया करो, लेकिन बस वो थोड़ा सा हो गया, मेरे गिल्ट थी यार, क्योंकि कोई इतनी मोहब्बत दे तो बड़ी अहमियत है मेरे दिल में आप लोगों की, आप लोग इतना 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 प्यार देते हो, समझ लो चलते फिरते अगर आप लोग देखते हो तो रुक जाते हो, मिलते हो तो सॉरी यार, सही है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके गाइज, सो मेरा सारा काम शाम हो चुका है और अभी मैं चेंज करूंगी और मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आज के ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर ही एंड, मिलेंगे कल नए ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग एडिट नहीं हो सका इवेंट वाला, एक दो दिन में इंशाल्लाह वो आप लोगों को मिल जाएगा तो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा कि क्या सीन था, ठीक है जी। और ये इजी हाई कर दो, ठीक है जी, एक दो दिन में आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। सो यार रखिएगा अपना ख्याल, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि गिव अवे होने वाला है, आप लोग उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इनामात जो है वो गिफ्ट्स विन कर सकते हो, और इंशाल्लाह न्यू ईयर तक या न्यू ईयर के बाद होगा आप लोगों तक आपके गिफ्ट्स पहुंच जाएंगे। सो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और 3 लोगों से और भी करवाना है। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बाय बाय कर दो, Everyone is watching you. Say bye. अच्छा मैं आपको दे रही हूँ, अच्छा इसमें बाय कर दो फिर मैं आपको दे रही हूँ, बाय गाइज, आई लव यू, बोलो सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइज, चलो ओके।